हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो आज है 25 नवंबर। तो आज का ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करते हैं। तो अभी हो रहे हैं 2:30 बज रहे हैं और कल है मेरी मैरिज एनिवर्सरी। तो आज का ब्लॉग आपको दिखाएंगे, प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा। तो अभी मुझे मेहंदी वगैरह लगानी है, तो छठ में लगाई थी तो निकल गई है, बट शादी का वो है तो लगाना तो है ही। और दिखाते हैं, लंच वगैरह कर लिया है, सारे कामों से मैं निपट गई हूँ नीचे के। अभी जा रही हूँ ऊपर कपड़े लाने। तो कल मैं मायके से रात में आई और बहुत सारे कपड़े धुले। तो चलिए दिखाते हैं कितने सारे कपड़े धुले हैं मैंने। तो वहाँ पे तो मैंने धुल दिए थे थोड़े बहुत, बट फिर वहाँ से आने के बाद ना बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। यहाँ भी छोड़ के चली गई थी, छत पे। तो यहाँ पे छत पे मम्मी ने तुलसी जी की शादी की थी और ये चने की दाल पिसवाना है, क्योंकि डेली हम लोग ले जाते हैं यहाँ से बेसन वगैरह सब फ्रेश। तो ये पिसवा के मम्मी देंगी। और ये देखिए कितने सारे कपड़े हैं। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ मेहंदी। तो ये मेरी प्यारी सी ननद है, बहुत ही सुंदर मेहंदी। आपको पूरा लगाऊंगी, मुझे इतनी सी मेहंदी से संतुष्टि नहीं होती है। और दूसरे हेड का दिखाती नहीं, तो देख सकते हैं कैसी लग रही है। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का ब्लॉग। तो गुड मॉर्निंग आप लोग को, और आज है मेरी मैरिज एनिवर्सरी। तो आई एम सो एक्साइटेड कि आज क्या होने वाला है। तो यहाँ पे मैं मम्मी के पैर कलर कर रही हूँ, और कलर करने के बाद आज हम लोग को जाना है मंदिर। तो हम लोग सब लोग जा रहे हैं मंदिर, सिर्फ मेरे डैडी जी नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें कुछ काम है। और यहाँ पे ये रानी दीदी हैं, इन्होंने बोला मैं कलर कर देती हूँ, तो ये मेरा कलर कर रही हैं। और कितना भी करो थोड़ा लेट हो ही जाता है, तो बस मम्मी बोल रही थी जल्दी करो जल्दी करो। तो चलते हैं, दिखाते हैं कौन से मंदिर जा रहे हैं हम लोग। प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में बने रहना। और कैसी लग रही है मेरी साड़ी? ऐसे बैड लैंग्वेज यूज़ नहीं करते। हाँ तो ठीक है, तुम रहो, हम लोग जा रहे हैं। हाँ तो देखते रहो, बाय बाय। तो यहाँ पे हम लोग रेडी सेडी होके निकल रहे हैं। तो मैं जा रही हूँ फेवरेट मंदिर। तो यहाँ पे जब भी हम आते हैं तो ज़रूर जाते हैं, और यक्षु का बहुत ही ज़्यादा मन होता है वहाँ पे जाने का। तो हम लोग जा रहे हैं आज बारीपुर मंदिर हनुमान जी। आप लोग अगर गए हो, अगर यहाँ से बिलोंग करते हो, तो ज़रूर कमेंट में जय बजरंगबली लिख देना। और मेरे हस्बैंड जी भी आ गए हैं, और सासू माँ, और मैं, और देखते हैं और कौन जाता है। तो डैडी जी तो नहीं जा रहे हैं, मैंने सोचा था जाएंगे। बोलिया लग जब का इधर तो रख दा। तू जाना का मोबाइल जरा, तू क्या करूँ मोबाइल लेके बताओ तो दादू का मोबाइल घर ही भाई मोबाइल जाते हैं दू जाना के फोन आई तार मोबाइल फोन आई बार भाई भाई साहब का अबे मुराइयो होने से और यहाँ पे यक्षित के पापा ने नानी जी को भी ले लिया दर्शन कराने के लिए। देखो मेरे
तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं मंदिर पे, और इतना अच्छा मंदिर है, इतना ज़्यादा यहाँ पे स्पेस है कि भागवत वगैरह सब कुछ यहाँ पे होता है छठ पूजा का। मैं दिखाती हूँ, घाट भी है यहाँ पे बहुत सुंदर, और देखिए आप लोग गौशाला भी छोटा सा बना हुआ है, पहले इतना नहीं था बट अब बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है। अगर आप लोग भी देवरिया आते हैं तो ज़रूर इस मंदिर पे आइएगा, बहुत ही अच्छा पॉजिटिव वाइब्स, मतलब बहुत ही शांति मिलेगी आपको। और मेरा बेटा देखिए हमेशा पूजा करने के लिए और भगवान में बहुत ज़्यादा इसका मन लगता है, तो ये पूजा करने जा रहे हैं अपने पापा के साथ। और दिखाते हैं आपको बजरंग बली को, और ये हैं विष्णु जी, तो मुझे पता नहीं था, मैंने पंडित जी से पूछा कौन से भगवान जी हैं। और यक्षित को देखिए कितनी केयर कर रहे हैं, नानी जी की हाथ पकड़ के लेके आ रहे हैं। और यहाँ पे भोलेनाथ का मंदिर और माता जी का मंदिर, मतलब सब कुछ है यहाँ पे। और ये देखिए नानी जी अपने, क्या बोलते हैं, नाती बोलते हैं, पोता बोलते हैं, जो बेटी के बेटे होते हैं। और यहाँ पे मम्मी ने लगाया मुझे सिंदूर माता जी का। और यहाँ पे नानी जी आ गई अपने घर, तो नानी जी का पैर छू के नानी जी को बाय बाय कर दिए हम लोग। फिर मैं आ गई घर पे और जल्दी जल्दी लंच बना रही हूँ, क्योंकि हमें कहीं जाना है मार्केट। और मेरी साड़ी कैसी लग रही है आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना। और मैंने 3-4 बार इसे पहना है, तो मुझे इसका कलर बहुत अच्छा लगता है, ग्रीन और मैरून का कम्बिनेशन। और बस दिखाते हैं आज का ब्लॉग। यहाँ पे हम लोग आ गए एस्प्रा ज्वेलर्स, क्योंकि मम्मी ने, डैडी जी ने मेरे प्रॉमिस किया था, मम्मी ने नहीं किया था कि मैं तुम्हें एनिवर्सरी गिफ्ट कुछ दूंगा। तो ये मम्मी देखे, ये इयररिंग्स मेरे ससुर जी डैडी जी ने मुझे गिफ्ट के तौर पे दिया है, और यहीं पे हमारा एनिवर्सरी सेलिब्रेशन भी हो गया और सरप्राइज था हमारे लिए, तो हम लोगों ने यहीं पे सेलिब्रेट कर लिया और बहुत ही अच्छा और स्पेशल हो गया हमारा एनिवर्सरी। तो अब हम निकलेंगे घर और दिखाएंगे आपको कि शाम को क्या करते हैं। सेलिब्रेट तो हो गया है, अब देखते हैं क्या होता है। ये वाला सूट है, ये मम्मी ने मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट ये सूट दिया है, दुपट्टा था जो मैं लगाई थी, और पीछे डोर पे देखिए आप लोग तौलिया है। अभी हो गया शाम का टाइम, करते हैं दीपक जलाते हैं, फिर मिलते हैं। किसी को नहीं दिखाई हूँ, तो ये देखिए फर्स्ट बिग गिफ्ट मेरा ये है, और ये सेकंड है। अभी एक और थर्ड गिफ्ट है जो कि थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी आप लोग को। तो दिस इज माय फेवरेट, माँ का प्यार है, तो इसकी कीमत मत लगाना आप लोग। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल एंड आल्सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, इसको पहन के दिखाऊंगी मैं। और एक और गिफ्ट है जो कि बहुत ही अनमोल है, तो उसको थोड़ी देर बाद दिखाती हूँ। थोड़ा और यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल, तो इन्हें कैसे भूल सकते हैं, तो इनके लिए छोटू सा गिफ्ट जो कि मेरी मम्मी के तरफ से है। तो अब लड्डू गोपाल जी के लिए ऐसे पहनाने के लिए दी थी, बजने के लिए, तो इनको पहना रहे हैं। और हमारे लड्डू गोपाल बहुत छोटे हैं ना, तो बहुत ही मतलब दिक्कत होती है इन्हें, बड़ी चीज़ें लाओ ना तो वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं। बट अच्छा लग रहा है, पहन लिए हैं। आई होप मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगता है, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और यहाँ पे मैंने ये पहनी है रेड कलर की साड़ी, और ये चूड़ा जो मम्मी ने दिया था मुझे, और ये झुमके, तो आज मैं ऐसे ही रेडी हुई हूँ। और ये मेरी जो साड़ी है, ये मेरी विदाई वाली साड़ी है,
और फिर मैंने सबका आशीर्वाद लिया और यहाँ पे ससुर जी का आशीर्वाद देखिए ज़बरदस्ती ले रही हूँ। तो यहाँ पे ससुर जी ने आशीर्वाद दिया, फिर हम लोग गए थे बाहर खाना खाने के लिए। और यक्ष जलवा रहे हैं अनार बम, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं। बैक कैमरा करो। अभी नहीं, पापा जला लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं एनिवर्सरी इस तरीके से। देखिए आप, एक से दूर रहो, दूर से बेटा। खुश हो गए क्या? नहीं यार, वो नहीं, दूर हो जाओ बेटा, फट सकता है। सारे सितारे सबके लिए नो हैप्पी दिवाली, नो हैप्पी दिवाली। एक नाइट लैम्प, क्या बोलते हैं स्काई लैम्प, वो फिर से उड़ने वाला, अभी 3-4 और बचा हुआ है, दिल्ली जाने से पहले खत्म करके जाएंगे इसे। यक्षु इधर आ जाओ, छोड़ दीजिए। बाय बाय। कमेंट करके आप लोग जरूर बताना कि मेरे इयररिंग्स कैसे लग रहे हैं।